हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एलपीजी तक पढ़ा था। आगे हम पढ़ते हैं व्हाट इज सीएनजी, गिव इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सीएनजी क्या है और किस किस चीज़ से मिलकर बनी है और इसके यूज़ और एडवांटेज क्या है। सीएनजी फुल फॉर्म क्या है बेटा? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। यस, वेरी गुड बेटा, सभी को पता है। इट इज़ फाउंड अबव द पेट्रोलियम, डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में पहले ऊपर जो पाया जाएगा पेट्रोलियम, उसके ऊपर जो नेचर में गैस है वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में मेनली मिथेन 95% होता है और कम अमाउंट में इथेन और प्रोपेन होता है। इसका यूज़ क्या है? घरों में यूज़ हो सकती है, इंडस्ट्रीज में यूज़ हो सकती है, फ्यूल की फॉर्म में। और दूसरा, आपको पता है बेटा आजकल व्हीकल्स इसी के ऊपर बेस चल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो सकती है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल और यूज एज ए फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आजकल जो एडवांस थर्मल पावर प्लांट बन रहे हैं, मोस्टली तो कोयले वाले ही थे बेटा, अब सीएनजी वाले भी आ गए हैं। इट इज अ गुड अल्टरनेटिव ऑफ पेट्रोल एंड डीजल बिकॉज दे डू नॉट कॉज एनी एयर पोल्यूशन और ये लिमिटेड अमाउंट में भी हैं। और इसकी एडवांटेज क्या है जिसके लिए हम इसको यूज करेंगे? एडवांटेज देखिए, इट इज बींग कंप्लीट फ्यूल इट्सेल्फ। इट कैन यूज डायरेक्टली फॉर हीटिंग पर्पज एंड यूजिंग इनडायरेक्टली बाई यूजिंग डिवाइसिस। कैलोरीफिक वैल्यू इसकी ज़्यादा है, 50 kJ/g। इसके लिए इसको गुड सोर्स और पोल्यूशन फ्री सोर्स कहते हैं, स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता। थर्ड, इसके लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं और वहाँ से ये सप्लाई की जाती है। तो ये सारी इसकी क्या होगी? डिसएडवांटेजेस। बड़े बड़े टैंकर से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पाइपलाइन बिछा दी तो हर जगह पर ये पहुंच जाएगी। नेक्स्ट इज थर्मल पावर प्लांट। आपके सिलेबस में थर्मल पावर प्लांट डिटेल में नहीं, बट अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में एक बार नॉलेज के लिए जरूर करेंगे कि थर्मल पावर प्लांट होता क्या है। चलिए देखिए, पावर प्लांट क्या होता है? पावर प्लांट एक इंस्टॉलेशन होता है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर प्रोड्यूस की जाती है और इसे हम पावर हाउस और पावर स्टेशन भी कहते हैं। पावर प्लांट को क्या चाहिए बेटा? पावर प्लांट को हीट चाहिए। अ पावर प्लांट इन विच द हीट इज रिक्वायर्ड टू मेक द स्टीम टू ड्राइव द टर्बाइन इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग फ्यूल्स। हमें टर्बाइंस को रोटेट करना है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और टर्बाइन रोटेट होंगे और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। अगर टर्बाइन कोल यूज करता है, ऑयल यूज करता है और इससे रिलेटेड गैसेज यूज करता है, तो इसे हम कहते हैं थर्मल पावर प्लांट। थर्मल का मतलब होता है हीट एनर्जी। तो जिस पावर प्लांट में हीट एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं थर्मल पावर प्लांट। कोल भी एक थर्मल पावर प्लांट के लिए फ्यूल का काम करता है। आइए हम थर्मल पावर प्लांट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं विद द डायग्राम। ये सिलेबस में नहीं है बट फॉर द गेटिंग नॉलेज वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए, थर्मल पावर प्लांट क्या है? अ थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग द फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल और ऑयल। स्कीमेटिक डायग्राम, बड़ा सिंप्लीफाइड डायग्राम है, थोड़ा सा आप इसे ध्यान से देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले वाटर रखा जाता है, नीचे फर्नेस है, फर्नेस के ऊपर एक बड़ा सा टैंक है स्टील का, इसमें पानी रखा जाता है। इस पानी को यहाँ पर फ्यूल डाल करके फर्नेस में हीट किया जाता है। यहाँ स्टीम बनती है, स्टीम एक नैरो चैम्बर से पास होती है और यहाँ पर क्या होता है बेटा, जैसे हमारे फैन पे ब्लेड्स होते हैं ना, वैसे यहाँ पर ब्लेड्स लगे होते हैं। स्टीम इन ब्लेड से टकराती है, ये ब्लेड्स घूमते हैं, ये ब्लेड्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं जनरेटर से और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और हम लॉन्ग डिस्टेंसेज तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रांसफार्मर। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, फ्यूल बर्न किया, वाटर हीट किया, स्टीम बना, स्टीम ने टर्बाइन रोटेट किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। जनरेटर पे शाफ्ट लगी होती है, वो शाफ्ट है ये, और जनरेटर का ये ब्लेड है। ब्लेड को कोई भी घुमाए उससे कोई मतलब नहीं है, आपका डीजल घुमाए, कैरोसिन घुमाए, कुछ भी रोटेट करे, स्टीम रोटेट करे, उसे सिर्फ रोटेट होने से मतलब है। जनरेटर की शाफ्ट रोटेट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और ये हमारे पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का सोर्स। चलिए वर्किंग को एक बार फिर से हम समझते हैं, क्या है बेटा वर्किंग ऑफ द थर्मल पावर प्लांट। लेट अस सी वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट। इस थर्मल पावर प्लांट को अगर हम ध्यान से देखें क्या है, कोल और ऑयल इज बर्न इन द फर्नेस टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी, अभी हमने पढ़ा।
दिस हीट एनर्जी यूज टू बॉयल द वाटर इन ए रिजर्वियर. दिस हीट एनर्जी यूज टू बॉयल द वाटर इन अ रिजर्वियर. द स्टीम प्रोड्यूस इन द वाटर रिजर्वियर इज अलाउड टू फॉल ऑन द टर्बाइन अंडर हाई प्रेशर. उस स्टीम ने टर्बाइन को रोटेट करवाया. द स्टीम फॉलिंग ऑन द टर्बाइन रोटेट विद हाई स्पीड. टर्बाइन घूमने लगा. अ जनरेटर और डायनमो, जनरेटर को ही बोलते हैं बेटा, कनेक्टेड विद द टर्बाइन थ्रू एन एक्सल. एक्सल मतलब वो शाफ्ट और रोड को बोलते हैं. विद द हाई स्पीड एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज द वर्किंग. इन फैक्ट द मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो हमने नाइन्थ में पढ़ा था ना, ऑफ द टर्बाइन इज कन्वर्टेड इन टू द इलेक्ट्रिसिटी. द इलेक्ट्रिसिटी सो प्रोड्यूस्ड इज ट्रांसफर्ड टू डिस्टेंट प्लेसेस. ये हम दूर तक ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू द ट्रांसमिशन वायर्स. लॉन्ग ट्रांसमिशन वायर के रास्ते हमने अभी बताया ट्रांसफर कर सकते हैं. थर्मल पावर प्लांट यूजली सेटअप नियर द कोल फील्ड्स और ऑयल फील्ड्स. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्यों है बेटा? बिकॉज ट्रांसपोर्टिंग द फ्यूल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज ए मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. जहां पर फ्यूल अवेलेबल है वहां पर ये सेटअप किए जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से बहुत बड़ा पोल्यूशन भी होता है और कॉस्टली भी पड़ता है. डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? कोल, ऑयल बर्न करने से क्या होता है? इन्वायरमेंट पे पोल्यूशन होता है. बठिंडा थर्मल पावर प्लांट के पास कोई भी घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा यूजली जहां पर आपको पोल्यूशन ना मिले और स्मोक ना मिले. दिस इज अबाउट द थर्मल पावर प्लांट. उससे अगले वीडियोस में हम हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे. उसका वीडियो विद प्रैक्टिकल मैं आपको सेंड करूंगा बेटा.